तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह मेरी हो रही है क्लीनिंग। और आज मैं नीचे वाले फ्लोर का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं नहीं करती हूँ नीचे वाले फ्लोर का, क्योंकि ये कुछ देखने लायक है नहीं। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो भी शूट करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब पूरी दीवारें भी उखड़ी हुई है और आप भी कमेंट करते हो कि आपका घर ऐसा है। और पता क्या, ये यहाँ पर ना जो बाहर वाली टाइलें हैं जो सीढ़ियों पर हमने डाली हैं और छोटे से आंगन में डाली हैं, तो यहाँ पर सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, मैं बड़े बड़े इसमें जो लाइनें बनी हुई हैं उसमें स्पेस कुछ ज़्यादा है, तो उसमें कूड़ा फंस जाता है बीच में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा आपने देख लिया, अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मेरे काम हो गए हैं। अभी सुबह तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि 11:15 हो गए हैं अब। और यहाँ पर देखिए, हमारे अभी धूप आने लगी है। वहाँ पे आंगन पे आपको धूप दिख रही होगी। तो आज पता क्या, सुबह सुबह स्कूल चली गई है, उसको मैंने स्कूल छोड़ दिया। उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं आपके साथ शेयर किया था क्योंकि मेरा पीछे वाला ब्लॉग भी खत्म नहीं होता, उस ब्लॉग को मैंने खत्म किया। और यहाँ पर देखो, शिवा ने पता क्या क्या कर रहा है, और नहीं मिला इसको कुछ तो क्या लिया है, कप लिया है हाथ में और साथ में ब्रश का क्या कर रहा है, ढोलक बजा रहा है। देखो करिए। और एक खास बात बताऊं, आज मैं घर में अकेली हूँ, मतलब आज जो सारे काम है ना वो मुझे ही निपटाने हैं हर चीज। वैसे होता था कि बाहर का काम मम्मी जी और पिताजी निपटाते थे, तो आज घर पे कोई भी नहीं है, अब वो सारे काम मुझे ही करने हैं। और साथ में शिवा, देखो शिवा को तो मैंने दिखा दिया। चलिए, अभी गाय को घास वगैरह तो दे दिया है बाहर, और बाकी मैं मुझे इनको बांधना है अभी। तो क्योंकि धूप में इनको बांधा जाता है, जैसे पहले तो नहीं बांध सकते क्योंकि धूप आती नहीं है यहाँ पे, और धूप धूप में ही फिर जैसे ही धूप जाएगी, मतलब 1:30 बजे के आसपास धूप चली जाएगी, तब मुझे इनको अंदर करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से मैं आ जाओ, लाओ चूहे को, लाओ चूहे भाई। चूहा भाई पता नहीं कहाँ जा रहा था और बेचारा इसमें फंस गया। देखो चलो, अब इसको छोड़ने चलते हैं। आज सीबा छोड़ने चले चूहे को। हाँ चलो, ची जैकी जैकी चलेगा छोड़ने। कैसे दिख रहे जैकी, आ जा आ जा, चलो चूहे को रख देते हैं। चलो आगे, कौन पकड़ेगा सीबा? फ्रेंड बॉस भी करना पड़ेगा। चलो पकड़ो पकड़ो, नहीं पकड़ना नहीं तो चलो फिर, चलो कम आ जा आ जा आ जा आज जल्दी आ जा। सुबह दीदी फेंक देती थी, मैं तो पहली बार चूहा फेंक रही हूँ, मैंने कभी नहीं फेंका चूहा। पर पता क्या, हमारे स्टोर रूम में बहुत सारे चूहे हैं और बाकी वो उसको बड़ा शौक होता है चूहे फेंकने का, बस ये वाला पिंजरे में फंस जाते हैं और फिर इनको फेंकना पड़ता है। आज पकड़, तुझे चूहा दो तो पकड़ो। चलो जैकी बोल रहे कि मैंने भी जाना है। भाई तुझे भी आ गए, आ गए, ध्यान से चलियो, ध्यान से ध्यान से, इधर से कितना चिल्ला रहे, रो रहे हैं। जैकी आ गए, आगे जैकी आ गए। नहीं आपको नहीं आएगा, फेंक रही, आपके ऊपर चढ़ जाएगा वो। चल भाई चूहे, तू आजाद हो जा, आजाद है तू, आजाद आजाद है, आजाद आजाद भाई आजाद, भाग जा भाग जा भाग जा, वेरी हो गया भाई। अभी देखो वहां पे पूरा मैट भी पूरा गंदा हो रखा है गाय का, और वहां पे देखो गोबर, ये सब कुछ मुझे उठाना है, इसको भी उठा लेते हैं भाई। चले चलो, अभी मुझे शिवा को भी नहलाना है और पहले हम चलेंगे घास लाने शिवा को साथ में लेके। एक्चुअली क्या था कि पिताजी ने पेड़ सुबह पेड़ से घास निकाला था, तो वो मुझे इकट्ठा करना है और वो मुझे यहाँ पे लाना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले उसको ले आती हूँ, फिर चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से ऊपर से चलेंगे, यहाँ से रास्ता बंद है, देखो आगे। चलो क्या करना है, लकड़ी को कैसे हटा? जैकी देखो जब तक सामने है ना तब तक कुछ नहीं बोलता, अब जैसे ही वो आदमी वो नजरों से दूर हो जाए उससे तो बस वो चिल्लाने लग जाता है कि भाई मुझे भी साथ में ले चलो, कहा बोलता है बस को, चलो 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 शाबाश, वो लग गया चिल्लाने। वो जैक सेंटर से चलना, सेंटर से, यहाँ देखो गोभी लगी है हमारी, और उधर जो आप देख रहे हो वो प्याज है, और इधर धनिया भी। आप यहीं खड़े रहना, नीचे टैंक है, यहाँ से गिर सकता है नीचे को, यहीं खड़े रहियो ठीक है। मामा यहाँ से जाएगी, बस ये है घास, ये रहा घास। जैकी वहां पे चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मुझे भी ले जाइयो भाई, वो रहा हमारा घर बस इतनी सी दूरी।
तो ये जो घास है ना, मतलब ये जो पेड़ होता है, ये ब्यूल बोलते हैं इसे, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। बाकी क्या बोलते होंगे प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, बाकी मुझे नहीं पता इसका और क्या नाम है। तो इसकी देखिए बीज से जब इसको काटते हैं तो उसकी रस्सी भी बन जाती है, मैंने बताई भी थी आपको, इसी की रस्सी के साथ मैं इसको बांधूंगी। बस ये सुबह सुबह पिताजी ने निकाला था और बाद में उन्होंने बोला था कि इसको इकट्ठा कर दियो, तो ये रह गया था। बस मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ और फिर हम ले जाएंगे इसको। नहीं बच्चे थोड़ी देर बैठो, हाँ बस 5 मिनट लगेंगे, ओके थोड़ी देर मेरे प्यारे बच्चा, यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो थोड़ी देर, बस मैं आ रही हूँ। ओ गिर गया, देखो वहां पे खड़ा किया उसको, तो बस जिद कर रहा है बार बार, बहुत परेशान कर रहा है कि मुझे ऊपर को चढ़ना है, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं इनका टैंक में नहीं गिर जाए। उतरो यहाँ से, रुको 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 रुको, मुझे चलने दो पहले नीचे, चला जा उतरो, चलो 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 यहाँ से चलो, यही रुकना, चल आ जा, आ जा पकड़ो शिवा, जल्दी आओ यहाँ से, आ जाओ आराम से, है ना आराम से, परली तरफ से दूसरी तरफ पर खुपाओ, गिरेगा यहाँ से लड़के नीचे को, हाँ शाबाश शाबाश वेरी गुड, मम्मा के पास दो हाथ, हाँ दो, हाँ ऐसे वेरी गुड, आ जाओ यहाँ से, आ जाओ ऊपर चढ़ो, चढ़ो ऊपर चढ़ो, वेरी गुड वेरी वेरी गुड, नीचे उतरो, हाँ उतरो उतरो, गोदी आ जा, ये अब चले जैकी को ले चलते हैं धूप में। ओए सो घास में आए तो आगे, चलिए फटाफट से लंच कर लेते हैं। और लंच में मैंने क्या बनाया हुआ है, ये आज बनी है वो वाली बड़ी, जो डंठल की अरबी की डंठल की बड़ी है ना, वो वाली मैंने बनाई है मलाई डाल के, और साथ में चावल भी मेरे बने हैं, तो ये मेरी ठंडी हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको सुबह बना दिया था। तो अभी मैं इसको गर्म, तो क्या है ये जो आप मिलता देख रहे हो ना, ये हमारे चूल्हे का है और यहाँ पर अभी गर्म पानी आ रहा है, कुछ देर में ज्यादा गर्म, जैसे चूल्हा जला होता है ना तो यहाँ पर गर्म पानी आता है, क्योंकि बाथरूम में दिया है, क्योंकि अंदर जो चूल्हा बनाया है उसके अंदर लोहे का चूल्हा है, और मुझे लगता है जितने भी गाँव के हैं आजकल ये टेक्निक जरूर यूज कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि हमारे जैसे गाँव में चूल्हा तो जलता ही है, मैं आपको बात दिख रहेगा, देखो क्या बोलते हैं उसको यार, गर्म पानी पिला सकते हैं, हल्का जो गुनगुना पानी होता है वही पिलाएंगे। चल जैकी आजा, खाना खाएगा, खाना खाना, लस्सी पता नहीं क्यों खाना नहीं खा रहा है, तो इसमें मैं लस्सी डालती हूँ ताकि ये, ले खा ले, खाओ ले लस्सी, खा ले लस्सी, ले बच्चा गोबर कहाँ कर दिया, चले धूप में, चले धूप में, चले भागना मत, ठीक है चल कम कम कम, चल अब धूप सेक ले थोड़ी देर। तो इसके बाद देखिए मैंने धोए थे कपड़े ढेर सारे, सारे मशीन वॉश हैं तो इनको मैं सुखाने डाल रही हूँ अभी, तो यहाँ से चली गई, ये देखो चली गई वहां से धूप वहां पे शिवा, और बस 5 मिनट भी नहीं लगी होगी अच्छी तरह से धूप, क्योंकि वहां पे देखो सूर्य देवता उस पहाड़ी के पीछे छिप गए, और ये जो पेड़ वगैरह हैं इस वजह से भी फिर हमें धूप लगती नहीं प्रॉपर। और वहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, बहुत हल्ला पड़ा था तो मैंने देखा, मैंने कहा वो देखो वहाँ पे बहुत सारे भेड़े आ रही हैं, मतलब गद्दी नीचे की तरफ, मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आप यहाँ मैं सुबह दीदी को ले आती हूँ, ठीक है थोड़ी देर यहाँ से मेरे बच्चे, अम्मा जी भी आ जाएंगी, ठीक है आप बैठो यहाँ, ऐसे सीखते रहो आप, मैं आ गई बस 5 मिनट में, ओके हाँ बैठो आप, कुछ जैकी 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 रख के मैं जा रही हूँ सुबी को लेने, और गाय वगैरह मैंने बांध दी है अंदर, ये दोपहर का मैं भी टाइम बताऊँ आपको, 2 बजने वाले हैं, तो बस फिर मुझे शिवा को सुलाना भी है, तो बहुत सारे काम रहते हैं, चलिए देखती हूँ। मुझे लगता है गाड़ी तो काफ़ी देर पहले आ गई थी, उसके बाद पता क्या शिवा पॉटी कर रहा था तो मैं उसको भी नहीं छोड़ सकती थी, और अभी उसको बिठाया अंदर, तो अभी यहाँ तक ही मुझे लगता है आने वाली होगी, वो पानी के पास तो आ ही गई होगी। शुभी शुभी मैं आवाज़ें डाल रही हूँ, देखो मुझे दिख रही है, सुन नहीं रही है, क्या हुआ
आ जाओ बच्चे। किस में? आज ही दे दिया मैम ने। कैसे? हाँ बड़ी खुश हुई है कि 20 out of 20 आ गए। हाँ ओके वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ। वेल डन बेटा वेल डन। सच बोल रही है। जल्दी आ जाओ बच्चे। शिवा के लाया मैंने हीटर भी लगाया वहां पे दादा। मुझे डर लगता है दादा भी नहीं है घर पे ना। पता क्या, जब घर पे जब आपका घर अकेला हो ना और घर पे कोई भी ना हो, आपको बच्चों के साथ जैसे काम करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से चलने का भी इतना हो और बच्चा आपका एक स्कूल जाता है एक छोटा हो, तो ये तो उनको ही पता होगा जो करते हैं, बाकी तो शायद समझे या ना समझे। चलिए चलते हैं। इधर क्या किया बच्चे ने? यूट्यूब के पास ऐसे लेट गया था बच्चा, से लेट गया था। चॉकलेट दे दी बाकी दे देना बच्ची। तो दोनों मिल हो गया है तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। बनाए क्या? मेरी चाय बन चुकी है। वाला है 5:15 हो रहे हैं और मुझे लगता है जो कपड़े मैंने सुखाने डाले हैं ना इनमें पूरी ओंस और ज्यादा गीले हो गए हैं, क्योंकि बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। पता नहीं क्यों, अब जैसे पहाड़ी पे बर्फ पड़ती है ना तो कुछ मैं देखो कुछ कपड़े मैं ऐसे पेड़ पे भी लटका देती हूँ ताकि हवा से ना सूखते रहें। हालांकि ये कपड़े सारे मशीन में धुले हैं, फिर भी जैसे ओस पड़ती है ना तो सारे कपड़े फिर से गीले, मतलब मशीन के कपड़े सुखाने में ही यहाँ पे 2-3 दिन चल लग जाते हैं। आ जा वहाँ पे, भाग गया। आराम से आना, आराम से आ जाओ। वेरी गुड। हूँ मैंने कहा थोड़े से पत्ते निकाल लेती हूँ और भुजी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ सब्जी दिखी नहीं तो मैंने कहा इसके पत्ते निकालती हूँ। ये कुछ सरसों हैं और कुछ मूली वगैरह है, इसके पत्ते मैं निकालूंगी और इसकी भुजी बनाऊंगी आलू के पत्तों के साथ। वहाँ पे मेथी भी है पर मेथी बहुत छोटी है, निकालते हैं। धनिया भी देखो उग चुका है यहाँ पर। तो जो अपने घर की सब्जी होती है ना उसका टेस्ट ही सब कुछ अलग होता है, और मक्की के रोटी के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला भुज्जी। तो बड़ी तो ये है प्याज, और ये प्याज की कुंपली भी मैं निकालूंगी। ये एक्चुअली क्या है कि ये सिर्फ जो भुज्जी बनती है ना उसी के लिए बोया है ये। तो ये जो वो प्याज में कोंपले निकल जाती हैं जो मार्केट से लेते हैं प्याज ना, उसमें कोंपले जो निकल जाती हैं उसी को यहाँ पर छोटी सी कैरी में लगाया है ताकि इसकी भुज्जी वगैरह बन जाए। संभालो बिगड़ी हाथ, देखो मेरे ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ बन गए हाथ, दोनों हाथ जो साग निकला ना उसके बाद देखो हाथों के। भगत सिंह तो चले गए। मम्मी पापा का पीछे चौकर गए। भगत और सिंह तो चले गए। और टॉपिक कैसा लगता है देखो जरा। पापा को छोड़ लेने गए भगत सिंह। मम्मी पापा को लेने गए भगत सिंह। देखो जरा टॉपिक कैसा लिखा, देखो बस ये ऐसा टॉपिक लिखता है। ये दो लाइनें देगा ऊपर से सिरोरेखा लगा देगा और बन गया भगत और सिंह। और अगर कुछ करने को बोले कल इसका यूटी है फिर से, लेकिन इस बंदे ने कुछ नहीं पढ़ा है। हिंदी का है कल और हिंदी का सिर्फ ही थोड़ी बहुत दिखता है, मतलब सॉरी नींद लग रही है अभी, खाना वगैरह हो गया था, डिनर वगैरह हो गया था, उसके बाद ये भी आ गए थे। तो बस यही लिखता है भगत सिंह सुबी को, उस जिस दिन का सुना है ना उस दिन से बस यही लिख रहा है। भगत और सिंह का जन्म हुआ है, भगत और सिंह पता नहीं कौन है। भगत और सिंह पापा को पीछे छोड़कर गए। कल इसकी यूटी भी खत्म है, बाकी सुबी के तो अभी दो और रह गए, इसके कल खत्म हो जाएंगे। लिखो भगत
हिंदी का है, लेकिन हिंदी का कुछ पढ़ता नहीं है, ये सिर्फ का लिख लेता है, बाकी थोड़ा बहुत लिखता है, बाकी कुछ नहीं आता इसको लिखना। हाथ पकड़ूंगी हाथ से, मैं पीछे से ऐसे झूठ मूठ में ही पकड़ूं, तब वो मूव खुद करेगा हाथ, लेकिन खुद से नहीं लिखेगा। कैसे ध्यान से सुन रहा है। सुबह भी रात के बज रहे हैं 10, और चलिए अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, प्लीज़ कमेंट कर दे रही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।